हाय फ्रेंड, मैं हूँ प्रीति और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए चने और सोयाबीन के बरीक के मिक्स करके कबाब बनाने जा रही हूँ। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं और सुबह के ब्रेकफास्ट में हेल्दी भी होते हैं और कम तेल में बन के फटाफट तैयार भी होते हैं। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, एक कटोरी मैंने चने की दाल ली है जो मैंने भिगो के रख दिया था और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। ये मैंने सोयाबीन की भरी ली है जो मैंने अच्छे से इसको गर्म पानी में बॉईल करके इसे पानी निकाल लिया है और चार हरी मिर्च है, अदरक का टुकड़ा है और ये प्याज है। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग अब इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए मेरा जो है पेस्ट है वो बन के तैयार हो गया। अब ये मैंने ये जो भरी ली थी इसे भी हम मिक्सर में डाल के मिर्च और अदरक का टुकड़ा डाल के इसे भी पीस लेंगे हम। ये देखिए मैंने जो सोयाबीन की बारीक पेस्ट है ये भी इसमें मिक्स कर दिया है। अभी मैंने ये बारीक दो प्याज मैंने काट के रखे थे इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे हम। इसमें आधा चम्मच हल्दी, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक, ये लाल मिर्च एक चम्मच और एक चम्मच भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, इसे भी हम ऐड कर देंगे। अब सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं देख मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल हम हाथ पे लगा देंगे और इसे हम कबाब बना लेंगे और बना बना के रख लेंगे अच्छे से। और मैंने तब तक गैस पे फ्राई पैन तैयार चढ़ा दिया है ताकि मेरा फ्राई पैन जो है वो गर्म हो जाए और तब तक ये मेरे ये कबाब बन के प्लेट में हम इसे लगा देते हैं। तब तक ये बहुत अच्छा है, इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसे बनाना बहुत आसान है, जल्दी ये बन के तैयार भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। देखिए मेरा ऑयल जो है गर्म हो गया। अब इसे इस तरीके से हम चारों रख देंगे और इसे धीमी आंच पर हम जब तक लाल नहीं होता तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे इसको। और ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लगेगा, कम ऑयल में ही आपका बनके तैयार हो जाता है। देखिए अभी तक धीमी आंच पर ही इसे पकाएंगे हम। ये देखिए अब हम लोग पलट के देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया, एक तरफ हमारा हो चुका है। अब दूसरी तरफ उसे ऐसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ हम पका लेंगे अच्छे। देखिए मेरे चारों को अच्छे से पक चुके हैं, अब दूसरी तरफ हम इसी तरीके से पका लेंगे इसको। ये देखिए मेरे कबाब जो हैं दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए अब इसे हम प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखिए मेरे जो कबाब हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। तो और इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट हमेशा देते रहिएगा। और तब तक मैं ये जो है कबाब इंजॉय करते हैं, तब तक आप भी इस वीडियो को इंजॉय कीजिए। तब तक के लिए